नेशनल लेवल का गेम था, हमारी तीन फाइट हुई थी, तीनों में विजेता रही। पहले हुई राजस्थान की लड़की थी, उससे फाइट हुई थी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर उसके बाद उसकी हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, हमारे स्टाफ मेंबर ने बहुत साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्कूल मैनेजमेंट का, धन्यवाद। बजरंग स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वाधान में बजरंग स्कूल के अंदर, वेन्यू बजरंग स्कूल का था, तो यहाँ पर 15th नेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप जो कि सोनीपत में 21 तारीख से 23 तारीख तक आयोजित की गई थी, उसमें टोहाना क्षेत्र के 7 बच्चों ने 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ये बजरंग स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर विनय वर्मा के निर्देशन में ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल टोहाना, मॉडल KM स्कूल टोहाना और बजरंग स्कूल के विद्यार्थी थे, और आज इनका सम्मान समारोह बजरंग स्पोर्ट्स एकेडमी टोहाना में किया गया, और यहाँ इनके बच्चों के अभिभावक, स्कूल्स के प्रतिनिधि और मीडिया के सभी साथी उपस्थित थे। और बच्चों को जैसे गवर्नमेंट की आजकल स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट रिजर्वेशन में जॉब्स के साथ साथ, गजटेड पोस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत करती है। इनके स्पोर्ट्स अकेडमीज़ ओपन की जा रही हैं, आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक हेल्प किया जा रहा है। हमारे कई अकेडमीज़ के स्टूडेंट्स और स्कूल्स के स्टूडेंट्स 100% स्कॉलरशिप इसमें प्राप्त कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में अब वो टाइम नहीं रहा कि सिर्फ एजुकेशन ही चाहिए, एजुकेशन को हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारे नीड है कि एजुकेशन के बिना सर्वाइवल नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक मल्टी टैलेंटेड चाइल्ड का ट्रेंड है, तो हमें हर बच्चे को मेहनत करनी चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी वो भाग लें। अभी सोनीपत में 15वीं नेशनल ग्रैपलिंग चैंपियनशिप जो आयोजित हुई, उसमें बड़े मान सम्मान के साथ हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के 7 बच्चे, टोहाना के रहने वाले बच्चे, 3 स्कूलों के बच्चे थे, अकेडमी के बजरंग अकेडमी और ग्रीन वैली स्कूल और मॉडल KM स्कूल, तो बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस करते हैं, साझा प्रोग्राम है। टोहाना का मान है कि 7 बच्चों ने, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए, और इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, और सभी टोहाना वासियों को इस समर्पित करते हैं, उनके अभिभावकों को हम श्रेय देते हैं इसका, और बच्चों को मैं कहता हूँ कि खेलों में लेके आएँ। ग्रैपलिंग जो कि ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रहा, और आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे बच्चे जाएंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कोशिश ग्रैपलिंग फेडरेशन कर रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ग्रैपलिंग फेडरेशन के, मिस्टर OP नरवाल जी हैं जो पहले SP थे और आजकल DIG हैं हरियाणा पुलिस में, तो अब उनके आशीर्वाद से ही, और बलविंदर जी हैं जो कि हमारे पानीपत से हैं और ग्रैपलिंग फेडरेशन और इंडिया के जो हरियाणा के प्रभारी हैं उनके तत्वाधान में कार्यक्रम था, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और बच्चों ने खूब इसको तन मन धन के साथ मेहनत करके लड़ा कंपटीशन को, और एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि प्राप्त की, एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की, और आगे भी ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो इंटरनेशनल लेवल की उपलब्धियां और भी टोहाना की झोली में हम डालेंगे। जयर विनय सर, उनकी माता जी कृष्णा वर्मा और हमारे स्टाफ मेंबर मंजीत सिंह, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें, मतलब हमें इस मुकाम पर पहुँचाया, हमें यहाँ से छोटे शहरों से निकाल कर इतने बड़े उस पर लेवल पर पहुँचाया, और अब आने वाले समय में हम इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं। अभी पीछे से उसका कोई अभी लेटर आया नहीं है, आते ही सर हमें बता देंगे, और उसके बाद हम अपनी इंटरनेशनल की तैयारियां में जुट जाएंगे। उनका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मैं परजीत, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में इनका एक विद्यार्थी, मैंने अभी नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी गेम में? ग्रैपलिंग में। कहाँ पे हुई थी? सोनीपत ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत में हुई थी। मेरे वेट में 8 थे, 8 खिलाड़ी थे, मेरी 3 बाउट हुई और मेरा गोल्ड मेडल आया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।